किया कितना, कभी भी एक सदी पूरा नहीं करता। और अब तो ये 75 साल हो गए, पौनी सदी होने का है, एक डेढ़ माह बाकी है, और ये इंशाल्लाह सदी पूरी नहीं होगी और हुजूर का दीन कब पर आने वाला है। और अमीर मुजाहिदीन ने जो सबक कौम को पढ़ाया था वो कौम भूली नहीं, वो पहले से पढ़कर कौम भी याद कर रही है। और मुल्क पाकिस्तान में ये एक अलहदा बात है, ये खबरें शाया होती हैं कि हम गरीबों के लिए इंडस्ट्रियों पर टैक्स लगाने वाले हैं। भाई आप अगर गुरबत का इलाज करना चाहते हैं, गुरबा की मदद करना चाहते हैं, तो फिर इंडस्ट्रियों पर टैक्स न लगाएं, बल्कि जाति उमड़ा पहले बेचो ना। कहने के लिए बैंक वालों ने तो किसी ने अपनी गाड़ी बेची, किसी ने अपना घर बेचा, किसी का घर तबाह हो गया, किसी का सामान लुट गया, किसी की जायदाद लुट गई, किसी की रकम लुट गई, किसी के जेवर लुट गए, लेकिन फिर भी तहरीके बैंक वाले अपने निशान से पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी हर चीज लुटाने के बाद भी हुजूर के लिए अपनी गदरें कटवा कर भी नबी के निजाम को तख्त पर लाने के लिए तैयार है। और कराची के माहौल में जो कुछ किया गया, हमारी जीती हुई सीट तुमने दूसरों को देकर ये भी देख लिया है कि फिर भी ये काफिला रुका नहीं, और इंशाल्लाह ये काफिला कभी भी नहीं रुकेगा। हमारा सब कुछ नबी रसूलुल्लाह की अमानत है, और हमको अमानत दरे रसूल पे लाकर रखने के लिए, और हर किस्म का वो कर्जा जो हमारे ऊपर हम उबारने के लिए तैयार हैं। और हुजूर के लिए हमारी सिर्फ जाने नहीं, माल नहीं, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए हाजिर है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कभी भी अपना सब कुछ छुपा के नहीं रखा। मैदान अमल में जब से बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह व्हील चेयर पर मुल्क पाकिस्तान में तहरीक रिहाई चली, तो उस वक्त भी तहरीक लबैक मैदान अमल में थी, फिर रिहाई तहरीक से लबैक बन गई, फिर सियासी मैदान में आ गए, और फिर खत्म नबूवत पर डाका डाला गया, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान फैजाबाद पुल पर हर किस्म की कुर्बानियाँ पेश की गई। और वहाँ मैं मौजूद था, तो मेरी मौजूदगी में दो बच्चे एक दस्तरखान में रोटियाँ लपेट कर वो लाए थे। मैं पूछे बेटा ये क्या है, ऐ पीए, उन्हें कहा साड़ी अम्मा ने भेजा है, तो साढ़े को कुछ ही है, साड़ी वालदा ने भेजा तो साढ़े को कुछ ही है, साड़ी वालदा ने कहा कि देखे आओ साढ़े को है ही है कुछ, और इसलिए लैके हाजिर हुआ है। और तहरीक के मैदान में जिस किसी ने गोली खाई है उसने कमर पर गोली नहीं खाई, हर किसी ने अपने सीने पर गोली खाई है। और हाफिज अलीन जब फैजाबाद पुल पर गोली लग रही थी, गोली आ रही थी, वो उस वक्त भी नारा लगा रहा था ताजदार खत्म नबूवत, और नारा लगाते हुए वो गोली आकर उसके पेशानी पर लगी। हाफिज साहब कर रहे थे नीचे जान देने के लिए, शहादत हो रही थी, फिर भी वो नारा लगा रहे थे कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।